फाइनली कुलदीप मलिक आ चुके हैं अरमान मलिक के घर, और वहां पर आते ही उन्होंने अपने ऊपर हुई मार पटाई जो कि उनके साथ हुई है ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, उसके बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देते हैं कुलदीप भाई से, कुलदीप भाई भी पहुंच गए हैं। नमस्कार गाइस, आज कैसा है भाई साहब आपका? बढ़िया जी। तो कोई मैसेज देना चाहते हो जो लोग नशा मुक्ति जाते हैं कि उनको संभालते रहे बीच बीच में, कि लोग वहाँ थोड़ा सा मिसबिहेव यूज करते हैं? मतलब राजस्थान के अंदर तो ना बहुत ही ज्यादा टॉर्चर है। अच्छा, आप देख ही सकते हो उंगली फ्रैक्चर कर दी। तो भाई हमने बकाया वहाँ पुलिस कंप्लेंट की है, चीजें हैं। आज ये थे हमारे भाई, कल को कोई और भी हो सकता है, तो हमने प्रॉपर एक्शन लिया है, वो चीज भी बहुत जल्दी सामने आएगी। ठीक है ना? हाँ जी, देखना। ताऊ जी के बच जाओ इसको, ये कालू देखो, ये समझा रही कालू भैया, अगर आपने इसको एक बार घुमा दिया ना, तो ये लड़का आपके अलावा किसी के पास जाएगा नहीं। जैसे सूरज एक बार जाता है करते हैं। तो बहुत ही प्यारी तीन देवी डॉल है, इसमें अयान, तुबा और जैतून, पीछे अयान, एक साइड में कृष्णा। जैद दीप को अपने घर नहीं जाना चाहिए था और अपने बच्चों से नहीं मिलना चाहिए था, वो क्यों आए हैं अरमान के घर? तो आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट में बताना मत भूलिएगा।